हरिद्वार की धर्म संसद के हेट स्पीच के वायरल वीडियो से विशेष समुदाय में नाराजगी, अब तक दर्ज नहीं हुआ केस। हरिद्वार में 3 दिन तक चली धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भड़काऊ बयानबाजी की गई। धर्म संसद में साधु संतों के साथ ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय और उदिता त्यागी भी मौजूद रहीं। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने धर्म संसद में कहा कि हमें तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि म्यांमार में हिंदुओं की हत्या की गई, दिल्ली के बॉर्डर पर भी हिंदुओं की हत्या हुई। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, या तो आप अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर मारने के लिए, और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की तरह यहाँ भी हर हिंदू को हथियार उठा लेने चाहिए और सफाई अभियान शुरू कर देना चाहिए। प्रबोधानंद गिरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। उनकी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ भी फोटो आ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी कोई पुलिस, कोई न्याय व्यवस्था इन्हें जेलों में ठूंसने के लिए अब तक आगे नहीं आई है। ये कार्यक्रम बीजेपी शासित राज्य में हुआ है, इसीलिए सबसे पहले वहां की सरकार को इस आयोजन को कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा कि भारत में नफरत देश का एकमात्र फलता फूलता उद्योग। ट्विटर यूजर अमन वदूद लिखते हैं कि 1.38 अरब लोगों का देश, नरसंहार करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वाला एक भी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार राणा अयूब लिखती हैं कि हमें हर पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाचार चैनल, खिलाड़ी, राजनेता, राजनीतिक संगठन, सिनेमा आइकॉन, सार्वजनिक व्यक्ति की चुप्पी को याद रखना चाहिए। हर दोस्त जो इसे सही ठहराने की कोशिश करता है, हर पड़ोसी जो इसे फ्रिंज कहता है, उन्हें याद रखें, वे प्रवर्तक हैं। मशहूर पूर्व टेनिस लीजेंड मार्टिना नवरतिलोवा ने दिल्ली में हुई महासभा पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि ये सब हो क्या रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।